हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं अच्छी ये सच पे सच है। अच्छी नहीं हूँ और वीडियो बनाना स्टार्ट ही किया है बच्चे पता नहीं क्या पता लगे चूहा तो आ गया हमारे घर में।, में और मोटर रखी है वहाँ पर चूहा बैठा है भगाओ उसको भगाओ हर जाओ रहा है तो अपने आप भाग जाएगा तो मैंने इसलिए कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ एक्चुअली मुझे पड़ गई ऑपरेशन की जरूरत और मुझे हो गया है गोल ब्लैडर में कई सारे स्टोन सब पता नहीं कैसे हो गया और उसकी रिपोर्ट आई थी मैंने आपको बताया कि ब्लैडर गोल स्टोन हो गया मेरे को रकर, बनाना, बनाना दे दे निको खत्म अब नहीं है दो, दो मैं खा गया, एक। चल ठीक है अभी दूध देती हूँ मैं अभी मैं बात एक मिनट सॉरी गाइस तो मुझे ऑपरेशन की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि मुझे गोल ब्लैडर में यानी कि पित्त की, की थैली में स्टोन्स हो गए कई सारे गाइज मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा मेरे साथ ऐसा कौन सोचता है कि ऐसा होगा हमारे साथ दो ऑपरेशन पहले ही मेरे हो चुके हैं दोनों बच्चे मेरे बड़े ऑपरेशन से हुए हैं सिजेरियन से और सोचा था लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा और बहुत मुश्किलों से हमने ये घर ख़रीदा और मेरा लाइफ का सबसे बड़ा जो ड्रीम है वो सच हो गया और सोचा कि अब चैन से रहेंगे पाँच छः साल में अपना सारा जो कर्ज़ा है वो उतार देंगे और चैन से हम लोग रहेंगे लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा हमारे साथ और बीमारियाँ बताकर नहीं आती कभी सबको पता है सब कहते भी हैं कि लाइफ अनप्रडिक्टेबल है कुछ भी हो सकता है कभी भी और सारी प्लानिंग्स ऐसे ही रखी रह जाती है जब कुछ हो जाता है हमारे साथ लाइफ में तो ऐसे कुछ हुआ हमारे साथ और चार पाँच महीनों से मुझे दर्द है और बार बार दर्द हो रहा था तो लगा कि गैस का पेन है गैस का दर्द है बार बार गैस की दवाइयाँ खा ली लेकिन गैस का नहीं था एक्चुअली वो था जब मुझे बहुत सीवियर पेन हुआ तो फिर अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर को इंसिस्ट किया मैंने तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया और अल्ट्रासाउंड में निकल गया कि मुझे जो है वो पित्त की थैली में पथरियाँ हैं जो सबसे बड़ी स्टोन है वो है थर्टीन एम यानी कि तेरह एम की और बहुत ही आम है आजकल ये बीमारी बहुत सारे लोगों को हो रही है ऐसा सुनने में आया है कि सेवेंटी परसेंट लेडीज़ को ये हो जाती है और ऑपरेशन ही इसका एकमात्र इलाज है सॉल्यूशन यही है कि ऑपरेशन ही होगा बेटा ये टूट जाएगी रख दो कोई और सॉल्यूशन इसका है नहीं पथरी अपने आप निकलेगी नहीं और इसका खतरा भी है कि गोल्ड ब्लैडर फट भी सकता है अगर जल्दी से जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो हमारे पास अभी ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं बिल्कुल भी कि हम प्राइवेट में जाकर ऑपरेशन करवा लें तो हम बार बार सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं जब भी दर्द होता है जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में तो मुझे इंजेक्शन लगा देते हैं और दर्द बंद हो जाता है फिर मैं घर आ जाती हूँ उनका कहना है कि ऑपरेशन आपका ऐसे नहीं होगा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी तो ऑपरेशन की लंबी लाइन है सरकारी अस्पतालों में उसमें मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा फिर मुझे बेड मिलेगा अगर बेड खाली होगा तो अभी तो कोई बेड खाली है नहीं क्योंकि रात को भी कल हम हॉस्पिटलों के चक्कर काट कर आए हैं रोज दर्द हो जाता है मुझे और यहाँ पर आ जाती है बहुत ज्यादा स्वेलिंग तो जब स्वेलिंग आ जाती है तो खाना भी नहीं खाया जाता है खाना भी मैंने नहीं खाया कल बिल्कुल भी और यहाँ पर भारी पन सा लगता है बहुत ज्यादा बहुत दर्द होता है मतलब जिस यार किसी को अगर हो चुका है ना तो आप उसको मैं बता नहीं सकती कितना दर्द होता है बहुत दर्द होता है इतना गंदा दर्द होता है मैं लेट लेट कर रोती हूँ जिस टाइम दर्द होता है कुछ समझ में नहीं आता बस इसको ठीक कर दो ठीक हो जाए और नहीं ठीक होता लेकिन बिल्कुल भी दर्द होता रहता है आप सो नहीं सकते बैठ नहीं सकते लेट नहीं सकते तो है जो भी किस्मत में है वो तो भुगतना ही पड़ेगा लेकिन इंसान को अगर कोई बीमारी भी हो जाती है तो गरीब आदमी को अगर कोई बीमारी हो भी गई है तो भाई ऑब्वियसली इसी बात है उसका ट्रीटमेंट तो कराना पड़ेगा ट्रीटमेंट कराने के लिए भी गरीब आदमी तैयार है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं होगा उसके लिए भी आपको मरना पड़ेगा धक्के खा रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल के लेकिन नहीं हो रहा है मेरा ऑपरेशन क्योंकि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है खाली और उसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा रिस्क पर मेरी लाइफ चल रही है कभी भी कुछ भी हो सकता है और ज़िंदगी खतरे में ही है एक तरीके से जब भी दर्द होता है तो स्वेलिंग आ जाती है और फीवर भी मुझे तीन चार दिन में लगातार रेगुलर आ रहा है ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है तो फीवर आना तो और ख़तरनाक है क्योंकि जॉन्डिक्स अगर इसमें हो जाता है तो वो भी बहुत रिस्क वाली बात है और दो ऑपरेशन हुए थे दोनों ऑपरेशन से ही बच्चे हुए बेटा इसको मत छोड़ो इसमें वो है निकू इसको हाथ मत लगाना हाथ दो बिल्कुल तो ऑपरेशन से ही दोनों बच्चे हुए थे इसके बाद सोचा लाइफ सही चलेगी और अच्छे से अपनी लाइफ जिएंगे छोटा सा घर ले लिया एक बीस गज का प्लॉट लेकर हमने बनाया बहुत मुश्किल से हमारे लिए तो यही महल है लेकिन सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी रास्ते में ही है और पहुँचने वाली है हम तक जल्दी अभी हमें इस घर में सात आठ महीने ही हुए हैं लेकिन ये बीमारी जो है गले पड़ गई है मेरे तो अब इसका ट्रीटमेंट कराना है ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है क्या करें मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है पैसे अभी हमारे पास इतने नहीं है कि हम ऑपरेशन करवा लूँ मैं जाकर प्राइवेट में ज़्यादा नहीं है तीस पैंतीस हजार का ही खर्चा मुश्किल से आएगा लेकिन इतना भी पैसा अभी हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने ये घट जो लिया है ये कर्जे में लिया है हमारे पास हमारे लोन चल रहे हैं दो तीन हमारे ऊपर लोन है उनको चुकाना है उनकी इंस्टॉलमेंट जानी है तो क्रेडिट कार्ड पर लोन ले रखे हैं हमने पर्सनल लोन ले रखे हैं कोई इनकी हस्बैंड की मेरे कोई ऐसी जॉब नहीं है कि कोई इनको सैलरी पर लोन मिल जाए तो भाई ने भी मुझे लोन दिला रखा है क्रेडिट कार्ड पर एक मेरे पापा के ऑटो पर भी लोन चल रहा है वो ऑटो चलाते हैं तो ऑटो फाइनेंस हो जाता है आपको पता है तो उस पर भी लोन चल रहा है निको फैन ऑफ कर दो ठंड लग रही है बेटा तो उसी लोन्स को हम भरते हैं ये नहीं सोचा था लोन हमने लिए थे क्योंकि हमें घर लेना था किराए पर कब तक रहेंगे बहुत मुश्किल भरी लाइफ होती है किराए पर जो लोग रहते हैं वो जानते हैं तो बहुत परेशानियाँ होती हैं सोचा कि एक झोपड़ा छोटा सा बना लिया अभी तो इस पर देखिए आप चद्दर ही पड़ी है पक्का लैंडर भी नहीं पड़ा है सोचा था कि एक साल में लैंटर डलवा लेंगे और चैन से रहेंगे घर छोटा ही है लेकिन अपना तो है लेकिन ये नहीं पता था कि ये मुसीबत भी आ जाएगी और अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं कि जाकर प्राइवेट में इलाज कराएं तो अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सरकारी हॉस्पिटल में बेड खाली होगा और कब मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगा बेड खाली मिलेगा फिर मेरा ऑपरेशन होगा डर अपने लिए नहीं लगता कि मुझे क्या हो जाएगा लाइफ ऐसी है मरना तो सबको एक दिन है है ना आज नहीं तो कल तो मरना ही है कल मरना आज न, मरना एक ही बात है तो ये डर नहीं लगता डर लगता है इन बच्चों को देखकर जो बहुत छोटे हैं और अभी इनको कुछ नहीं पता इनको माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप जानते हैं कि बच्चों जिनकी माँ नहीं होती उन वो बच्चे कैसे जीते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है तो भगवान मेरे बच्चों को अनाथ ना करे बस और मैं ठीक हो जाऊँ मेरा ऑपरेशन हो जाए और बस यही भगवान से दुआ आप लोग मेरे लिए प्रे करना कि अपॉइंटमेंट मिल जाए कहीं बेड खाली हो जाए तीन चार हॉस्पिटल्स में हम लोग ट्राई कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि एक ही हॉस्पिटल में ट्राई कर रहे हैं तीन चार हॉस्पिटल्स में हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो बेड खाली होगा और मिल जाएगा तो ऑपरेशन हो जाएगा और हर रोज़ दर्द होता है जिस टाइम पर दर्द होता है तो ऐसा लगता है कि मैं करवट भी ले रही हूँ तो भी दर्द हो रहा है खांस रही हूँ तो भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द होता है कल मुझे डॉक्टर ने यह भी कहा कि आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा लो क्योंकि इसमें रिस्क है बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है तो उनका कहना था कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा लो लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये तो आप ही के हाथ में है मैं कैसे इसको जल्दी से जल्दी करवा लूँ तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में भी नहीं है मैडम जब बेड खाली होगा तभी हम आपको बेड दे पाएंगे तभी हम आपको हम एडमिट करेंगे फिर आपके सारे टेस्ट होंगे और उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा तो कई लोग हैं ऐसे जिनका ऑपरेशन हो चुका है इसी चीज़ का गोल ब्लैडर का पूरा गोल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है यूट्यूब पर मैंने देख भी लिया लेप्रोस्कॉपी से ही ये ऑपरेशन होगा किस तरह से होगा ये मैंने देख लिया है और डर लग भी रहा है नहीं भी और बस ये है कि मुक्ति मिल जाए दर्द से मैं ठीक हो जाऊँ मेरे बच्चे समझदार हो जाएं बड़े हो जाएँ इसके बाद चाहे मुझे कुछ भी हो जाए चिंता नहीं है लेकिन अभी कोई नहीं है मेरे बच्चों को देखने वाला और पता नहीं भगवान गरीबों की ही परीक्षा क्यों लेते हैं भगवान जानते हैं कि लेकिन हाँ जो भी है होता है लाइफ में वो तो कुछ ना कुछ भगवान ने सोचा ही होगा जो भी होगा अच्छा होगा भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं सबके नसीब में जो है वो तो मिलेगा ही सब नसीब की बात है मेरे भाग्य में नसीब में शायद यही लिखा हुआ है और तो यही होगा पता नहीं क्या होगा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है और आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा फील हो जाता है मम्मी भी आती है तो उनको भी मैं ये फील नहीं कर, करवाती दुख कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं होता है जो है किस्मत में वो तो हो गई मम्मी के सामने वैसे ही बोलती हूँ मैं कि जो होना है वो तो हो गई ना रीज़न तो हमें पता नहीं है किसकी मेरी गलती की वजह से हुआ कैसे हुआ क्या खाती थी मैं खाने में परहेज नहीं किया मैंने कुछ भी खा लेती थी बस यही है तो मैं तो कहती हूँ भगवान गरीब को खाना खाने चाहे

किराए पर रहते थे कोई बीमारी नहीं कुछ भी नहीं फ्री होकर रहते थे जब से घर ले आए पता नहीं कोई नज़र वज़र मैं तो मानती नहीं हूँ जैसे नज़र लग गई है पता नहीं भगवान जाने क्या हो गया और हमारी हस्ती खेलती ज़िंदगी में बहुत टेंशन हो रही है कव्य मत करो बेटा देखते हैं जो भी होगा अच्छा होगा आप लोग प्रे करिए मेरे लिए प्लीज़ और प्राइवेट में तो नहीं करवाऊँगे हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम लोग प्राइवेट में जाकर तीस पैंतीस हज़ार रुपये खर्च करेंगे तो हमें भीख मांगने वाली नौबत आ जाएगी भीख मांगनी पड़ेगी हमें और पैसा है नहीं हमारे पास बिल्कुल भी हर महीने का खर्चा हर महीने होता है सिलेंडर तक का बजट हमारी सैलरी में फिक्स होता है कि हज़ार रुपये का सिलेंडर नौ सौ रुपये का आएगा तो उसका ये बजट है तो बस यही है लाइफ है द शो मस्ट गो ऑन लाइफ तो चलती रहती है कुछ भी हो लाइफ रुकने वाली नहीं है तो ऑपरेशन हो जाए मेरा बस मैं ठीक हो जाऊँ माता रानी कृपा करना अपनी बनाए रखना बच्चे हैं हम आपके को को। मेरे बच्चों पर भगवान से प्रे करना देक 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 कि बस मैं अपने देक 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 बच्चों के लिए ज़िंदा रहूँ ऑपरेशन हो जाए मेरा जल्द से जल्द ठीक ठाक से इन्हें अभी कुछ भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं जानते ये लोग तो बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है क्या बोलूँ यही बात बार बार तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय गाइस बाय करो सबको बाय बाय और मेरी मम्मा के लिए बचाना जरूर क्या बचाना जरूर बचाना जरूर